आप देख रहे हैं 2023 वाली न्यू होंडा यूनिकॉर्न 160 सीसी का E20 OD2 अपडेट के साथ एक नया पल सीरीन ब्लू कलर। इस बाइक में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, माइलेज, टॉप स्पीड, अब इस बाइक की न्यू ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले अपडेट की बात करूँ तो अब इसमें आपको एक नया डार्क ब्लू कलर मिल जाता है। ये कलर पुराने वाले मॉडल में आपको नहीं मिलता था, एक नया कलर यहाँ पर कंपनी ने लॉन्च कर दिया जो कि थोड़ा सा डार्क है ग्लॉसी फिनिश में, और पैनल के ऊपर में आपको थोड़ा सा कोई भी कलर आपको नहीं मिलेगा, मोनो सस्पेंशन की ब्रांडिंग आपको मिलती है। यहाँ पर थोड़ा सा क्रोम का ट्रीटमेंट दिया गया है, बाकी काउल के ऊपर में क्रोम का यूनिकॉर्न का स्टिकर है, कोई भी 3D में नहीं है, नीचे में कोई भी ग्राफिक्स वगैरह आपको नहीं मिलते हैं। दूसरा यहाँ पर E20 का स्टिकर दिया गया है, जैसा कि अब ये बाइक E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है। 13 लीटर का मेटल बॉडी का पेट्रोल टैंक दिया गया, चाबी यहाँ पर आपको नॉर्मल मिलती है होंडा की ब्रांडिंग के साथ। पुराने वाले मॉडल में ना लोग ज़्यादा शिकायत करते थे कि बारिश के मौसम में जो पेट्रोल टैंक का जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर पानी अंदर भर जाता है और टंकी में अंदर चला जाता है, तो यहाँ पर कंपनी ने अब एक होल दे दिया है, तो साइड में अगर पानी भरता है तो वो सीधा का सीधा नीचे की साइड में निकल जाएगा पाइप के थ्रू। तो ये जो प्रॉब्लम है अब वो इस वाले मॉडल में सॉल्व हो चुकी है, तो अब पानी की दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। बाकी टैंक की डिज़ाइन बेसिक सी है, यहाँ पर होंडा का क्रोम में 3D में लोगो है, फुली मेटल बॉडी का 13 लीटर का पेट्रोल टैंक दिया गया है, और ये जो मीटर कंसोल है ना ये आपको वही मिल जाता है जो कि शक्तिमान के जमाने का दे रखा है, मुझे हंसी आ रही है। यहाँ पर स्पीडोमीटर दिया गया एनालॉग में, यहाँ पर ABS की लाइट है, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वगैरह देख सकते हैं। ओडोमीटर भी आपको वही पुराने जमाने वाला मिलता है, 20 साल पहले वाला। यहाँ पर गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, फ्यूल गेज मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर, हेडलाइट और यहाँ पर चेक इंजन की लाइट आपको मिलती है, और साइड में RPM मीटर दिया गया, ये भी आपको एनालॉग में मिलता है। और यहाँ पर इंजन के लिए सेल्फ स्टार्ट एक ही बटन में दिया है, नीचे में सेल्फ स्टार्ट का बटन है, और जो ग्रिप वगैरह है वो आपको SP125 वाली मिलती है पूरी की पूरी। सबसे पहले आप इसके साउंड को सुने, कैसा साउंड इसका हो चुका है। इंजन इसका OD2 अपडेट के बाद काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो चुका है। बाइक की जो हैंडल बार आप देख रहे हैं ये अपराइट आपको मिल जाती है जो कि थोड़ी सी मुड़ी हुई है राइडर की तरफ और थोड़ी सी ऊंची है, तो बाइक चलाते समय आपको बहुत ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा। मिरर आपको वही मिलते हैं जो एक्टिवा में दिए जाते हैं, और जो क्लच है वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइट आपको मिलती है। बाकी जो पासिंग बटन है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, अपर डिपर इंडिकेटर और हॉर्न। जो बार एंड आपको देखते हैं ये आपको प्लास्टिक बॉडी के मिलते हैं जो SP125 में दिए जाते हैं। सीट कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो मीडियम सॉफ्ट आपको मिल जाती है, काफ़ी लंबी चौड़ी सीट आपको मिलती है जिसमें 798 mm की आपको सीट हाइट मिल जाती है जो कि 5.5 फिट वालों के लिए कंफर्टेबल होने वाली है। ये सब कुछ आपको प्लास्टिक बॉडी का मिलता है टंकी को छोड़कर, यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम का पूरा ये सेटअप दिया गया है। ये देखो भाई, इसका जो एग्जॉस्ट का जो मफलर गार्ड है ना ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग दिया गया है अदर बाइक के मुकाबले, और यहाँ पर आपको एक क्रोम की प्लेट भी मिलती है जिसमें आप आगे में पंजा पीछे में AD के लिए सपोर्ट भी आपको मिल जाती है। ये पूरा का पूरा मेटल बॉडी का एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं, पीछे में आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक ही मिलती है, डिस्क ब्रेक आपको नहीं मिलती है। एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई पीछे में 180/18 का ट्यूबलेस टायर मिलता है, पीछे में 18 इंच का एलॉय है, और पीछे वाले टायर की जो चौड़ाई है ना वो सिर्फ 100 mm मिलती है, लेकिन ये तो आपको SP125 में भी मिल जाती है, तो भाई टायर काफ़ी ज़्यादा पतला है इसके CC के हिसाब से। ऊपर में होंडा की ब्रांडिंग है, और जो ग्रैब रेल आप देख रहे हैं ये भी आपको डार्क ब्लू कलर में थोड़ी सी तिकोनी सी डिज़ाइन आपको मिलती है। सबसे पहले मैं इंजन को स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि बिना इंजन स्टार्ट हुए इसकी जो टेल लैंप है वो ऑन नहीं होती है। तो पीछे में जो टेल लाइट आप देख रहे हैं ये आपको हेलोजन के सेटअप के साथ मिलती है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी है, हेलोजन वाले इंडिकेटर हैं जो लीवो 110 में दिए जाते हैं। पिछला जो मडगार्ड है ये भी काफ़ी पतला सा दिया गया है। इंजन की तरफ अभी हम चलते हैं, तो यहाँ पर आपको किक स्टार्ट का लीवर मिल जाता है जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, तो आजकल 160 cc में किक नहीं मिलती है। 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है, बाकी ये जो इंजन आप देख रहे हैं ना ये पूरा का पूरा आपको एयर कूल्ड वाला ही मिलता है जो कि सिर्फ हवा से ठंडा होता है, कोई भी ऑयल कूलर आपको नहीं मिलता है। इसमें 162.7 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक BS6 Fi इंजन दिया जो 12.91 PS की मैक्स पावर देता है और 14 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसके CC के इंजन के हिसाब से जो पावर है वो थोड़ी सी आपको कम मिलती है कंपेयर टू पल्सर, और जितनी भी 150 cc या फिर 160 cc में बाइक आती हैं उनमें मोस्टली 15-16 PS की पावर मिलती है। फ्रंट में 240 mm की डिस्क आपको मिलती है, लेकिन इसमें आपको ABS मिल जाता है,
और यहाँ पर ABS की ब्रांडिंग है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं जो कि काफी मोटे मोटे दिए गए हैं, और आगे में आपको 80/100/18 का ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाता है। 18 इंच का ब्लैक कलर का एलॉय व्हील दिया गया है, बाकी दोनों साइड में रिफ्लेक्टर। आगे का जो मडगार्ड है वो SP125 की तरह ही आपको मिल जाता है। फ्रंट से देखने में ना हेडलाइट का लुक काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ पर जो वाइजर वगैरह आप देख रहे हैं ये 3 पार्ट में डिवाइड है, होंडा की ब्रांडिंग है। नीचे में क्रोम का ट्रीटमेंट आपको मिलता है, तो लुक्स इसका काफी ज्यादा एग्रेसिव है, काफी ज्यादा स्पोर्टी है। और यहाँ पर आपको हेलोजन वाली टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, सिर्फ हेलोजन वाली ही यहाँ पर टेल लाइट आपको देखने को मिलती है, LED का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। बाकी साइड से अगर आप इसको देखोगे तो भाई यूनिकॉर्न है ना, वो सिर्फ अपने लुक्स की वजह से और अपने इंजन की वजह से सबसे ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं, और फैमिली के लिए ये परफेक्ट सौदा है। चलते हैं बाइक की साइड में, तो यहाँ पर आपको सिंगल हॉर्न मिलता है। हॉर्न की जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, और यहाँ पर आपको सिंगल लीवर 5-स्पीड गियर बॉक्स का सेटअप आपको मिल जाता है, जिसमें आपको 5 गियर मिलते हैं। इस बाइक के जो फुटपैक्स हैं वो आपको एकदम सेंटर में दिए गए, थोड़े से पीछे नहीं है। और यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंजन गडअप सेंसर का फीचर्स मिलता है, और इसमें आपको कम से कम 1 लीटर पेट्रोल आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, 2 लीटर रखने की जरूरत नहीं है। और जो फुटपैक्स हैं पीछे वाले वो भी कंफर्टेबल हैं, और यहाँ पर साइड गार्ड आपको मिल जाता है कंपनी फिटेड, और नीचे में चेनसेट कवर आपको मिलता है प्लास्टिक का, और रेक्टेंगुलर स्विंग आर्म आपको मिल जाता है। होंडा यूनिकॉर्न 160 की एक्स शोरूम कीमत है ABS में 110,000 रुपये, और इसकी ऑन रोड कीमत है 134,578 रुपये। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर आप होंडा की SP160 लेते हैं तो वहाँ पर आपको इससे भी बेहतरीन और स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं सेम प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है भाई फुल डिजिटल मीटर मिल जाता है, और मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, LED वाली टेल लैंप और हेड लैंप आपको मिल जाती हैं, और बाकी लुक भी आपको थोड़ा सा SP125 वाला एडवांस आपको मिलता है। और इस बाइक की जो डबल डिस्क में ऑन रोड कीमत है वो 147,700 रुपये है, और सिंगल डिस्क में ये आपको पड़ जाती है 142,700 रुपये की। ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है Cloud9 होंडा 2-व्हीलर शोरूम जैसो रोड मध्यम ग्राम कोलकाता शोरूम की। शोरूम की सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सिर्फ कोलकाता वाले ही कॉल करें, अदर स्टेट वाले कॉल ना करें। अगर आप भी अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं तो कमेंट करें अपनी सिटी का नाम, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।